अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लालपुर कुकर। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ हलवा पूरी की, और साथ मैंने चने भी बनाए हैं। अगर आप लोगों को मेरे चने की रेसिपी चाहिए तो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देखकर तैयार कर सकते हैं। पूरियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े वाला बाउल सिंपल, डेढ़ प्याली मैंने लिया है या डेढ़ बाउल डेढ़ कप जितना आप लेना चाहें। मैंने लिया है सफ़ेद मैदा पिसा हुआ 3 टेबलस्पून के करीब मैंने, या आप हाफ छन्नी ले लें, मैंने 3 टेबलस्पून इसमें से इस्तेमाल करना है। रोटी बनाने वाला सादा आटा, 2 स्पून मैंने लिए दही, 2 स्पून ही मैंने लिए कुकिंग ऑयल, और 1 से 2 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर। रूम टेम्परेचर के मुताबिक पानी है, जो अपनी कैनों में आम घरों में पड़े होते हैं वो पानी। पानी ठंडा नहीं लेना, अगर सर्दियाँ होंगी तब आपने पानी नीम गर्म कर लेना है, जो हाथों की बर्दाश्त के मुताबिक हो। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इस बाउल में मैं डेढ़ छन्नी या डेढ़ बाउल या डेढ़ कप जो आपने लिया है 1.5 कप मैदा, ये बाउल में मैं शामिल करूँगी। आधी छन्नी तकरीबन या भर के 3 टेबलस्पून, या आप जितना डालना चाहें। घर का आटा है, इसके अंदर तकरीबन 2 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर है, वो शामिल कर दूँगी। कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी। दही 2 टेबलस्पून, ये शामिल कर दूँगी। इन सबको पहले हाथ की पूरों की मदद से मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथ धोए हुए, पहले मैं इन चीज़ों को मिलाऊंगी, फिर हम लोग रूम टेम्परेचर पे, जो हल्का सा गर्म सा पानी रूम टेम्परेचर, मैंने गर्म नहीं किया, ये शामिल करेंगे। पहले मैं इन चीज़ों को मिलाऊंगी। बिस्मिल्लाह, मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है। अब मैं पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करके आटे को गूंदूंगी। एक दफ़ा में ही पानी शामिल नहीं कर देना, कहीं ये ना हो कि ये ज़्यादा ही डो हमारी नरम गूंज जाए। ये देखिए ऐसे और शामिल करूँगी। डो को हम लोगों ने, जिससे रोटी बनाने वाला आटा होता है तकरीबन वो, या उसे थोड़ा सा सख्त करना है, ज़्यादा नरम या सख्त नहीं करना। देखिए आटा तकरीबन सॉफ्ट सी डो में गूंज चुका है। और प्लास्टिक से रैप करके फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 20 मिनट, 30-40 मिनट, या जब आप नाश्ता बनाने लगें। सबसे पहले आटा गूंद लें, बाकी तमाम चीज़ें फिर तैयार कर लें, ताकि डो तैयार हो जाए पूरियों के लिए। अब आटे को प्लास्टिक से रैप कर दिया है ताकि इसके अंदर ये ना जा सके। अब मैंने इसे फ्रिज में 20 मिनट 30 मिनट, या जितना आप टाइम चाहें आप फ्रिज में रख लें, और फिर हम पूरियाँ। अब मैंने एक प्लेट ली, इसे हम लोग ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, ब्रश की मदद से इसे ऑयलिंग कर लेंगे। ये मैंने कर लिया। अब मैंने हाथों को हल्का सा घी लगाया। बिस्मिल्लाह। अब जितने साइज में आप पूरी बनाना चाहें उस तरह के आप लोग पेड़े बना लें, गोल गोल एक एक करके तमाम पेड़े बना लेंगे। पेड़े आपने इस तरीके से बनाने हैं ताकि इसके अंदर निचली साइड पे क्रैक्स ना हो, अच्छी तरह से आपने गोल गोल करके जिस तरह से आप पेड़ा बेलती हैं बनाती हैं वैसे कर लें। बना लिए हैं, अब इसके ऊपर हम लोग ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से जिस तरह से भी हो आप लोगों ने ऑयल लगाना है, और इसे बनाकर पेड़ों को ठहरने के लिए 20 मिनट तक फ्रिज में रख देना। मैंने रैप करूंगी, रैप करने के बाद फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए, अब मैं पेड़े फ्रिज में रखूंगी 20 मिनट के लिए। सूजी का हलवा तैयार करने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। एक बाउल मैंने सूजी ली, मैंने अच्छी तरह से छान ली है। 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया, जिससे से एक छन्नी, एक कप, या किसी चीज़ के साथ भी आप इसे माप करते हैं उतनी ही आपने चीनी लेनी है, उतना ही घी, कुकिंग ऑयल, जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं, देसी घी, डालडा, कुकिंग ऑयल, मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। और ये खुश्क मेवा जात हैं, ये है किशमिश, पिस्ता, बादाम, हरी इलायची, हल्का सा कोई से भी रंग, जैसे बाज़ार में पीच कलर डाल देते हैं, येलो कलर, फूड कलर डालते हैं, मैंने जर्दे का रंग लिया है।
और ये नारियल पानी, जैसे से एक छन्नी ये है इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 छन्नियाँ जाएंगी पानी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हा चलाकर मैंने देगची ऊपर चढ़ा दी है, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे एक बॉल कुकिंग ऑयल, ये बॉल बिस्मिल्लाह। जब कुकिंग ऑयल कड़कड़ाने लगे इसके अंदर जो 3 मैंने छोटी इलायची बताई थी उनके बीज निकाल कर शामिल कर देंगे, या उनका हल्का सा आगे से ऐसे मुंह खोल देंगे, ये देखिए ऐसे मुंह खोल लेंगे और डाल देंगे और भूनने के बाद हम लोग अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए चम्मच चलाएंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सूजी, ये वाला स्पून जो मैदे वाला है 1 टेबल स्पून, अभी मैं साइड पे कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौरन चम्मच चलाएंगे, सूजी को भूनेंगे, लेकिन इसका भूनते हुए कलर इतना ख़राब नहीं कर देना कि सूजी काली हो जाए या डार्क ब्राउन आ जाए। 2-3 दफ़ा चम्मच चलाने के बाद 1 टेबल स्पून मैदा अंदर डाल दूँगी, इसे भी फौरन चम्मच चलाऊँगी। सूजी को भूनना है, सूजी का कलर ख़राब नहीं करना, क्योंकि हमने इसके अंदर फूड कलर डालना है, उससे इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा। सूजी तकरीबन भून चुकी है, या तो इस टाइम पे आप चूल्हे से इसे साइड पे कर लें, या बहुत हल्की आंच करें, हाथों को संभाल कर पानी अंदर डालना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल गरम गरम है, जब हमने इसमें पानी डालना तो उसने ऊपर को फ्लो करना है। जिस बॉल के साथ हमने सूजी मापी थी वो 4 बॉल पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ को ज़रा संभाल कर रखना है, हाथ जल सकता है। अब मैंने इसे फौरन हलाना है ताकि गुटलियाँ ना बन पाए। 1 बॉल चीनी इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने इसके अंदर पफे पफे से चम्मच चलाना है। मैंने आंच दरमियानी कर दी, पानी डालते हुए मैंने बहुत धीमी आंच कर दी थी। अगर आपको हाथ जलने का खदशा हो आप चूल्हा बंद कर दें, पानी डालें और फिर चूल्हा चला लें। अब हम इसमें ये जो मैंने आपको 2 से 3 पिंच फूड कलर कोई सा भी जो आप चाहते हैं वो डाल दें और फौरी तौर पे चम्मच चलाएं। हल्का येलो कलर आ गया है, हल्का अंदर से, ये देखें जो छिलके हैं इलायची के ये निकाल लूँगी ताकि खाते हुए मुँह में ना आए और इलायची के बीज अंदर ही रहने दूँगी, जो इसका टेस्ट और खुशबू है वो तकरीबन निकल आई है। अभी ये देखिए ठीक नहीं हुआ, अभी ये पतला पतला ही है, मैंने आंच कम कर दी है। इसके अंदर जो मैंने खुश्क मेवा जात लिए हैं उन्हें कट कर लिए हैं, वो शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। किशमिश धो ली है, साफ कर ली है, ये शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन बंद कर दूँगी। अगर आप लोग इसके अंदर कीड़ा के चंद कतरे या कोई और एसेंस शामिल करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर से ऑलरेडी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है भुनने की मेवा जात की और छोटी सब्ज इलायची की। अब मैं ढक्कन बंद कर दूंगी और वक्फे वक्फे से हम लोग इसे देखते रहेंगे। तकरीबन मैंने 1 मिनट ढक्कन बंद किया, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, और अब हम मैं इसके अंदर चम्मच चलाने लगी हूँ, देखने लगी हूँ कि क्या कंडीशन है। ये देखें ऐसे ऐसे इस टाइम पे आकर मैं इसके अंदर खुशबू के लिए 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल करूँगी। ये देखें 1 टेबल स्पून देसी घी, आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप पूरा हलवा देसी घी में बना लें। चूल्हा मुकम्मल तौर पे बंद कर दूँगी। ये हलवा पककर तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी है। अब पूरी इसमें इस टाइम पे शामिल करनी है जब ये अच्छी तरह खौलने लग पड़े, यानी इसमें से धुआं निकलने लग पड़े, ये नहीं कि आप तेल को जला लें। अच्छा जी, मैंने बेलन के ऊपर फिर वो कुकिंग ऑयल लगा लिया है, इसके ऊपर मैं पेड़ा रख लूँगी। इस तरह से इसे हल्का हल्का हाथों की मदद से दबाएँगे और इसे हल्का हल्का गोल करने की कोशिश करेंगे। आप इससे ऐसे नहीं करना चाहते तो आप बेलन को भी ऑयल लगाएँ और बेलन से बेल लें, बहुत सॉफ्ट पेड़े बने। और चूँकि आटा बहुत अच्छा गूंद गया था मुझसे,
ये देखें पूरी गोल गोल तैयार है। अब हम लोग इसे ऑयल में डालेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आँच हम लोगों ने दरमियानी ही रखनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही कम। कम आँच नहीं रखनी इसमें। जब हम लोग कम आँच वाले ऑयल में हम लोग पूरी डालेंगे तो वो खस्ता पूरी बनेगी। और जब भी आपने पूरी डालनी है अपनी तरफ करके नहीं डालनी, ऐसे उस तरफ करके डालनी है ताकि अगर घी निकले, घी गिरे तो हमारा पेट या हमारे जिस्म पे ना गिरे। फौरन ऐसे चम्मच के साथ इसे दबा देना फौरन। अब मैं इसकी साइड पलटूंगी, बिस्मिल्लाह। साइड भी मैं उसी साइड को करके पलटूंगी ताकि हमारे ऊपर ऑयल ना गिरे। अब इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, खुशबू भी इतनी ही प्यारी है और इतनी ही अच्छी, खाने में भी लजीज ही बनेगी इंशाल्लाह। आप भी ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से वन बाय वन सब पूरियां बना लेंगे। अब मैं एक बर्तन में टिश्यू पेपर फैलाकर उस पर सब पूरियां रखती जाऊंगी। देखें पूरी कितनी प्यारी फुली हुई बनी। जी हाँ, तो अपने हलवा पूरी, चने और साथ सैलड और साथ मैंने अचार रखा, सब चीज़ें तैयार हैं। अब हम लोग तो नाश्ता करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। आप लोग भी इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह आप लोग भी बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।